देखिए, अब हम थर्ड टिश्यू सिस्टम देख रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। इट कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हमें पता है कि कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोयम। तो ये जाइलम और फ्लोयम इसमें आते हैं। जब जाइलम और फ्लोयम को हम साथ में बात करते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोयम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल, तो दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। यदि डाइकॉट स्टेम है, जितनी भी डाइकोटिलेडन स्टेम्स होती है, वहाँ पर जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम, और इसी के कारण यानी कैम्बियम के कारण जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उनमें क्या एबिलिटी आ जाती है कि वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम बना पाते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है, और उसके कारण यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम। और इसीलिए ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स, यानी डाइकॉट सिस्टम में कैसे होंगे, ओपन वैस्कुलर बंडल्स। जबकि मोनोकॉट जो होते हैं उनमें कैम्बियम एब्सेंट रहता है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, और इसी के कारण यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बन पाते, और ये जो वैस्कुलर बंडल है वो कहलाते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। अब जब जाइलम और फ्लोयम एक वैस्कुलर बंडल में है और अरेंज कैसे हैं, अल्टरनेट मैनर में, मतलब एक जाइलम एक फ्लोयम फिर जाइलम फिर फ्लोयम अलग अलग रेडियस पे, तो वो जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है रेडियल, जैसा कि होता है रूट्स में। मतलब रूट्स में जाइलम फ्लोयम कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं। और एक और अरेंजमेंट होता है इनका कॉन्जाइन टाइप का, जाइलम एंड फ्लोयम सिचुएटेड एट द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, मतलब सेम रेडियस पे रहेंगे, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जॉइंट। ये होते हैं स्टेम और लीव्स में, यानी रूट्स में रेडियल अरेंजमेंट और स्टेम और लीव्स में कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा कॉन्जॉइंट वाले में, फ्लोयम जो है लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, यानी फ्लोयम जो है वो जाइलम के आउटर साइड पर रहता है, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, कॉन्जॉइंट। तो ये जो है हमारा कौन सा है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखिए, आज जो हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, हमने टिश्यू सिस्टम्स पढ़े हैं। तो टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम में क्या डिफरेंस है, टिश्यूज़ में हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पढ़े थे, और यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर इनका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, अलग अलग। मतलब जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने थ्री टाइप्स के आज पढ़े हैं टिश्यू सिस्टम्स, कौन कौन से, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने क्या देखा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहा है प्लांट की, ठीक है, इसमें इपिडर्मल सेल, सिस्टोमेटा, देन ट्राइकोम हेयर, ये सब आ रहे हैं, सिंगल लेयर होता है ये जनरली, पैरेन्काइमेटस यानी लीविंग सेल्स हैं इनकी लार्ज वैक्यूल के साथ, फिर ये हमेशा कोट रहेगा वैक्सी लेयर से जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, जो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, लेकिन ये एब्सेंट होता है कहाँ पर, रूट्स में। फिर इसके अलावा यहाँ पर लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये डायग्राम आपको कर लेना है। क्या क्या है इसमें, देखिए दो बीन शेप्ड की सेल्स हैं जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करती हैं, और साथ ही साथ इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी किससे रेगुलेट होगा, गार्ड सेल से। गार्ड सेल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर आसपास की जो एपिडर्मल सेल्स हैं गार्ड सेल के बिल्कुल पास वाली, वो एक स्पेशल शेप अटेंड कर रही है जिसे हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, और इन सबको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। यदि हम ग्रास की बात करें तो वहाँ पर बीन शेप्ड ना होकर जो गार्ड सेल है वो कैसे शेप के होंगे, डंबल शेप्ड के। फिर रूट हेयर को हम क्या कहते हैं, हेयर, ये भी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, लेकिन यदि हेयर स्टेम वाले पार्ट पे शूट हेयर है तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम्स। रूट हेयर का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल,
और ट्राइकोम का फंक्शन है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रांसपिरेशन। सेकेंड सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी सारा जो टिश्यू है वो क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और ग्राउंड टिश्यू में हमने क्या देखा कि ये जनरली कहाँ पाया जाता है? कॉर्टेक्स पे, पेरिसाइकल, पिट, मेडुलरी रे, स्टेम और रूट्स। और यदि लीव्स में है तो यहाँ पर लीव्स में ही क्या रहेगा? इसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट और उसे हम कहते हैं मेसोफिल। और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बना है, जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। तो डाइकॉट स्टेम में जाइलम फ्लोएम के बीच में रहती है कैम्बियम की रिंग, और उसी के कारण ये इनमें क्या एबिलिटी आ जाती है? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की। तो इसे हम कहेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल्स। और मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट है तो यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बन पाता, तो ये कहलाता है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। और इसके अलावा जो है टू टाइप्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्जॉइंट और रेडियल। तो रूट्स में जनरली होगा रेडियल और स्टेम और लीव्स में कॉन्जॉइंट।